साथियों, अपनी हार सामने देख दीदी का गुस्सा मुझ पर बढ़ता जा रहा है। बंगाल के लोगों का मुझ पर स्नेह देख दीदी बंगाल के लोगों से भी नाराज है। दस साल तक गरीबों को सताने वाले गुंडों पर, हथियारों पर, लुटेरे तोलाबाजों पर दीदी को गुस्सा नहीं आया, लेकिन दीदी उन सुरक्षा बलों पर गुस्सा कर रही है जो बंगाल के लोगों के अधिकार की रक्षा कर रहे हैं। पंचायत चुनाव की तरह दीदी के गुंडे छप्पा वोट नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए दीदी नाराज है। अपने 10 साल के कामकाज का हिसाब किताब तो उन्होंने आपको कभी दिया नहीं। इस चुनाव में उन्होंने जाकर के बताना चाहिए था 10 साल में आपके लिए क्या काम किया। वो जहां जाती हैं बस मोदी को गालियां देती रहती हैं। उन्होंने हिसाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, अपने काम का हिसाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, पल पल का हिसाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, पाई पाई का हिसाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, भाइपो के कारनामों का हिसाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, अपने गुंडों के कारनामों का हिसाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, हिसाब देती है क्या? देती है क्या? कोई जवाब देती है क्या? सिर्फ गाली देती है। अब वो अपनी रैलियों में अपने छप्पा वोट गैंग को ट्रेनिंग देने लगी है, ट्रेनिंग, और सिखा रही है। आप हैरान हो जाएंगे, एक राज्य की मुख्यमंत्री 10 साल सरकार में रहने के बाद क्या सिखा रही है? वो सिखा रही है कैसे सुरक्षा बलों का घेराव करना है, कैसे सुरक्षा बलों को पीटना है और कैसे बूथ पर हमला करना है, ये सब बताया जा रहा है। अरे दीदी, ओ दीदी, देश के बहादुर सुरक्षा बल आतंकवादियों से नहीं डरते, नक्सलियों से नहीं डरते, तो आपके पाले पोसे गुंडों से, आपकी धमकियों से डरेंगे क्या? ये उत्तरी बंगाल, हमारे गोरखा समाज तो राष्ट्र रक्षा में हमेशा अग्रणी रहता है, उसका बहुत बड़ा अपमान दीदी आप कर रही है। उत्तरी बंगाल तो केंद्रीय बलों में नारायणी सेना बटालियन का सपना सच देखना चाहता है। दीदी, आप इस भावना का भी अपमान कर रही है। साथियों,